किशनगढ़ बात के खैरतल थाना क्षेत्र के मंडी बाईपास पर गत 6 माह पूर्व दिन दिहाड़े अकेली महिला को बंधक बनाकर लूट के 2 आरोपियों को थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खैरतल पुलिस के थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि गत 9 अप्रैल 2019 को दोपहर में दांतला मंडी बाईपास पर बनी आवासीय कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाशों ने घर में अकेली महिला को देखकर पानी मांगा। जैसे ही महिला रसोई में पानी लेने गई तो बदमाश मकान में अंदर घुस गए और जान से मारने की धमकी देते हुए महिला का मुंह दबाकर पहने हुए जेवरात व घर में रखे नकदी की मांग की। घबराई महिला ने अपने गले की चैन, कान के टोप व मंगलसूत्र उतारकर बेड में रखे पायजेब व गुल्लक में रखे 15,000 रुपये दे दिए। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से व अन्य सूचनाओं के प्रयासों के बावजूद लुटेरे भागने में सफल हो गए थे, जिसकी प्राथमिकता महिला के पति संजय कुमार पुत्र मुंशी राम अहिर निवासी दातला मंडी बाईपास ने दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कुलदीप उर्फ बबली पुत्र गुलजारी जाति माली उम्र 24 साल व भीम सिंह पुत्र कृष्ण जाति माली निवासी गंज किशनगढ़ बास को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में पूर्व में 2 अन्य आरोपियों राकेश रघु व मनीष सोनी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस मामले की जाँच हेतु टीम का गठन किया गया था, जिसमें हरभजन सिंह, रमेश हेड कांस्टेबल, राकेश हेड कांस्टेबल, सुमेर सिंह व संदीप को शामिल किया गया था। मेरी पत्नी अपने घर पर थी, 2 मोटरसाइकिल पर 4 अज्ञात लोग जिन्होंने मुंह में कपड़ा बांध रखा था, मेरी पत्नी देख कराया और पानी पीने के लिए मांगा, क्योंकि मेरी मिसेज अकेली थी। वो लड़के उस ताबड़तोड़ हमला किया उस पर और अंदर कसम घर में से घुसकर 15,000 रुपये नकद सोने चांदी के जेवरात करीबन लगभग 3 लाख की लूट करके भागे। इत्यादि पर रिपोर्ट दर्ज की जाकर हम दोनों लड़कों के नाम है कुलदीप उर्फ बबली पुत्र श्री गुलजारी जाति माड़ी निवासी गंज थाना किशनगढ़ बास, दूसरा भीम सन ऑफ कृष्ण जाति माड़ी उम्र 23 साल निवासी गंज किशनगढ़। इन चारों लड़कों द्वारा पूर्व में किशनगढ़ थाने में भी नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया है। इन दोनों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है, इनसे बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन्होंने जिस सुनार को माल बेचा उस सुनार को भी हमने पूर्व में गिरफ्तार करके बरामदगी की जा चुकी है। आरोपी उनको हमने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है, 5 दिन का पुलिस अभिरक्षा रिमांड प्राप्त किया गया। रिमांड के दौरान उनसे बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे।